सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह। मेरे जी तो इस चैनल पे भी आपका स्वागत है। और ये बार बार मेरे मन में प्रभु डाल रहा था, छोटा संदेश से ज़्यादा लंबा नहीं है, कि जो घटनाएं घट रही है इस समय भारत से लेकर पूरी दुनिया में, अजीबो गरीब घटनाएं घट रही है, ये प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्ह की साफ संकेत है। आइए प्रार्थना करिए। धन्यवाद करते पिता वचन प्रार्थना के द्वारा। आज पिता इस संदेश प्रार्थना के द्वारा सबसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हमारी लाइव प्रार्थना आती है संडे को, तो उसका लिंक नीचे डाल रखा है। जितने लोग उस लाइव प्रार्थना में देखने जाते हैं, क्योंकि आज लाइव प्रार्थना तेल पे होगी, यानी कि ऑयल अनॉइंटिंग ऑयल पे प्रार्थना होगी, वो तेल जब प्रार्थना होगी तो आपका जो तेल है वो अभिषेक से भर जाएगा, जरूर देखना, उसका लिंक नीचे है। वचन में जाएंगे, वचन से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं बताया वचन प्रार्थना के द्वारा हमसे बातें करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मेरे जी तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो इस समय हाहाकार मचा हुआ है, बाढ़ का, तूफान का, कोई चीज़ नॉर्मल नहीं है, यानी कि जो प्रभु ने लिख रखा है वो साफ शब्दों में हम और आप देख रहे हैं। तो ये आने का चिन्ह है, अभी आने रहे, ये आने का चिन्ह है। क्या चिन्ह है? देखो मत्ती 24 का 7 में लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य लड़ाई करेंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ा को आरंभ होगी, ये सब बातें पीड़ा को आरंभ है, यानी कि यीशु मसीह का आरंभ है, यहाँ पे आने के चिन्ह है। फिर क्या लिखा है? ये सब बातें पीड़ा को आरंभ होगी, तब वह क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़ाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति तुमसे बैर रखेगी, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे पकड़ाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, बहुत से झूठे भविष्यता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरवाएंगे, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया, ये परमेश्वर की वाणी है मेरे जी। तो ऐसे ही हो रहा है इस समय, जब अगर देखा जाए सब कुछ वचन के मुताबिक हो रहा है, तो यानी कि हमको भी तैयार रहना है। मैं हमेशा कहता हूँ हमें भी सुस्त नहीं रहना, एक्टिव रहना है, प्रार्थना में रहना है, वचन में रहना, पवित्रता में रहना, ताकि हम प्रभु तक अंत तक सेफ रहे और हम उसके योग्य ठहरे। तो ये घटनाएं घट रही थी, तो जब मैं सोच रहा था कल से, तो प्रभु बार बार कहता है चैनल में डालने के लिए, तो लेट हो गया, लेकिन डाली जरूर, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता वचन प्रार्थना के द्वारा, जैसा आपने बोला वैसे करा, और वाक्य में तैयार के चिन्ह है पिता परमेश्वर, लेकिन और पिता ये होना लाजमी है, लेकिन तू हमें तैयार कर, ताकि पिता तेरे आने तक हम पिता परमेश्वर तेरी बाट जोड़े, और जितने लोग पिता परमेश्वर आज से ये प्रार्थना सुन रहे पिता, वो सब प्रार्थना में वचन में आगे बढ़े पिता, ये संकट जितने भी आ रहे तुम्हें सहायता करे, हम जानते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह के। लिंक नीचे है उस वीडियो का, और आपको लाइव प्रार्थना देखने, क्योंकि आज तेल अभिषेक की प्रार्थना है, जय मसीह।